जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी तक भी जो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उस पर पूरी बात करेंगे। एनालिसिस में हर दिन देख रहा हूँ जो भी एग्ज़ाम अब में आ रहा है और उससे रिलेटेड, और जो संडे को टेस्ट लगाया था उन लोगों ने, और जिन लोगों ने के अभी पेपर हो चुका है उन लोगों ने मुझे जो नंबर भेजे व्हाट्सअप टेलीग्राम पर या फिर कमेंट में, तो उन लोगों का भी रिप्लाई अपन इसी में करेंगे, बात करेंगे जो फिजिकल के लिए पूछ रहे हैं और पेपर कैसा आ रहा है उसका लेवल, और संडे टेस्ट। भैया संडे टेस्ट का मैं बता दूँ, बहुत से लड़कों ने नंबर भेजा है, बहुत से लड़कियों ने, तो मैं सबका यही है कि जिस लोगों ने बनर्स का टेस्ट लगाया है तो अगर संडे टेस्ट में आपके 65+ नंबर आए हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। अभी स्कोर बहुत लोगों ने भेजा तो मैं एक एक का नाम लूँगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो सभी के लिए अभी थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि अगर बनर्स के टेस्ट में कई लड़कों का ऐसा है कि जो 65 स्कोर कर रहे थे या 70 तक स्कोर जा रहा था, तो उन लोगों ने फाइनली वहाँ जाके 80-82 तक स्कोर किया है कि, और उन लोगों ने ही बताया कि बनर्स का टेस्ट जो एक फाइनल एग्ज़ाम आ रहा है आपका वो थोड़ा सा नॉर्मल आ रहा है, और बनर्स का थोड़ा हार्ड टेस्ट है मैथ रीज नहीं और जीके भी मिला के, और RWA का कई पेपरों में थोड़ा सा लेवल मैच कर रहा है, कई लेवलों में बहुत ज़्यादा नीचे चला जा रहा है सरल है, ठीक है, शिफ्टों के हिसाब से। अब मेन चीज़ बात करते हैं कि और जो लड़के मुझे नंबर भेज रहे हैं तो उन पर बात करते, थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेते जो लोगों ने करा है। कि जैसे 12 को एग्ज़ाम था एक लड़के का जिसका सिंह साहब करके नाम है, 70 के फिजिकल के लिए जाना चाहिए। तो देखो इस बार का पेपर का एक और चीज़ बता दें, लड़के बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, पेपर थोड़ा सा सरल आ रहा है, और सभी लोग बता रहे हैं कि पिछली बार जो पेपर था उससे थोड़ा लेवल कम है, और जो आप टेस्ट लगा रहा है किसी पे भी टेस्ट बुक का थोड़ा मैच कर रहा है, बनर्स से थोड़ा कम आ रहा है, RWA से थोड़ा सा अच्छा पेपर आ रहा है, और कई जगह मतलब पेपर कुल मिला के सरल बना रहा है। और जिसमें थोड़ा पेपर का बात कर लेते हैं, आपका MPG के नहीं पूछा जा रहा है, एक दो क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अभी नहीं पूछा जाए कि सर वो ही पढ़ लें। पेपर का पैटर्न थोड़ा सा साइकिल में चलता है, चेंज होता रहता है, लास्ट तक इतनी शिफ्टें हैं, इतने पेपर हैं, हो सकता है आपके बाद में आने लगे, थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें आप अभी MPG के भी, आएगा तो आप कर देना, नहीं आए तो अच्छी बात है, इसलिए अभी स्कोर बढ़ रहा है लड़कों का। और मेन चीज़ बात करते हैं, अभी 4-5 टॉपिक रीजनिंग में बहुत ज़्यादा पकड़ के रखे हैं, जिनसे 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-5 ऐसे ही मैथ के, तो जैसे आकृति वाले क्वेश्चन हो गए हैं, जैसे मिरर इमेज वाले हो गए हैं, रीजनिंग की बात कर रहे हैं अपने, ब्लड रिलेशन के हो गए हैं, कोडिंग डीकोडिंग के हो गए हैं, तो इनसे क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए 4-4 5-5 क्वेश्चन एक ही उससे टॉपिक से दे रहे हैं, तो इसलिए ये टॉपिक तो अभी पढ़ ले। ऐसा नहीं है कि अभी लड़के पूछ रहे कि सर यही टॉपिक बस पढ़ लें, हो सकता है आपका एग्ज़ाम जब बाद में हो 20 तक हो तो थोड़े से और दूसरे टॉपिक, एक दो टॉपिक इसमें से छूट जाए जैसे पिछली भर्ती में हुआ था, और फिर नए टॉपिक वो एक दो ऐड कर दे, तो ऐसा चलता रहेगा, तो थोड़ा इनको भी देखते रहें अभी बाद में है, और थोड़ा जो बीच के टॉपिक भी हैं जो बाद के आपके छूट रहे हैं जो सरल, तो वो भी पढ़ते रहें। ऐसे ही मैथ के अभी चक्रवृद्धि ब्याज वाले हैं, एज वाले क्वेश्चन हैं, प्रॉफिट लॉस है, सिंप्लीफिकेशन से हो रहा है, एडवांस मैथ में ज़्यादा नहीं आ रहा है, मेंशुरेशन के क्वेश्चन आ रहा है, तो ये तो पढ़ के रखें, बाकी जितना अर्थमेटिक के टॉपिक छूट भी रहा है वो भी पढ़ते रहें। एडवांस में जिन टॉपिक से नहीं आ रहा है क्वेश्चन, पहले भी बोला था नहीं है मत पढ़ो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा है, एलजेब्रा के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, बीजगणित के नहीं आए, तो अभी नहीं पढ़ो, लेकिन एक बार देख लो, बस आपके पास नोट्स होगा रिविजन के तौर पर, थोड़ा सा देख लो आप उन टॉपिक को भी, और फिर बाद में ये नहीं टॉपिक करते रहो और अर्थमेटिक और टॉपिक चेंज हो गए। जैसे पिछली भर्ती में हमने दिया था तो स्टार्टिंग जब हुआ था चक्रवृद्धि ब्याज के 4-4 5-5 क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत लेंथी आ रहे थे, लेकिन बाद तक जब पेपर हुआ तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिला, तो ऐसा चेंज होता रहेगा बाद में, पढ़ते ये भी रहे, लेकिन 60-70% पेपर आपका जिस टॉपिक से अभी आ रहा है बस यही टॉपिक रहेंगे, जो आपके 3-4 टॉपिक रहेंगे वो हट के 3-4 टॉपिक ऐड हो जाएंगे, क्योंकि सिलेबस अपना पूरा है, मेरा बताने का मतलब है। और मेन चीज़ फिजिकल के लिए कितने नंबर से अभी से तैयारी करने टाइम मिलेगा, भैया इस बार स्कोर बहुत अच्छा कर रहे हैं लड़के। एक चीज़ और पर्सनल बता दें, इंटरव्यू रिव्यू तो नहीं लिया है मैंने लड़कों का जो मेरे साथ अभी भर्ती में है, जिनको टाइम मिल रहा है वो पेपर देने भी जा रहे हैं। देखो सब लोग अपनी तैयारी चेक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप भर्ती ऑलरेडी हैं तो क्यों जा रहे हैं, सब जाते हैं। ये कॉन्स्टेबल के एग्ज़ाम है जहाँ तैयारी PSC UPSC जितने भी बड़े बड़े एग्ज़ाम की भी क्यों ना कर रहे हैं, और जो टीचर हैं सब है, इसलिए इसमें कंपटीशन ज़्यादा बढ़ता है, तो हर एक व्यक्ति पेपर देने जाता है, जो पढ़ा भी रहा है वो भी चेक करने जाता है, जिनके एक दो एग्ज़ाम हो गए, क्योंकि जब तक नौकरी नहीं मिलती तो सब चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिस बनी रहे और अपने को एक्सपीरियंस मिलता रहे, कैसा, तो सब पेपर देने जाते तो बहुत अच्छे स्कोर करते हैं। अभी ट्रेनिंग का बता दो, एक दो लड़के गए हैं हमारे साथ के, तो एक ने अभी उनने तो जब से ज्वाइन करा है दिसंबर से ही नहीं पढ़ा, एक ने 77 स्कोर करा है, एक ने 82 स्कोर करा है, जिनका बेसिक पेपर आ रहा है, कहने का मतलब जिसकी मैथ रीजनिंग आपकी पहले कभी पढ़ी हुई है तो आप कर जाओगे, जीके जितना पढ़ा हुआ है उसमें से अगर फंस रहा है तो कर जा रहा है, ऐसा हार्ड अलग से नहीं आ रहा कि उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप नॉर्मल भी प्रैक्टिस है, बेसिक है, और आपने टेस्ट लगाया एक दो महीने से
तो आपका फिर भी आसानी से 75-80 स्कोर जा रहा है लड़कों का मैं देख पा रहा हूँ। तो कम से कम जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 70+ जिनके नंबर हो तो वो फिजिकल के लेकर है। और मेन चीज़ रहता है नॉर्मलाइजेशन के कि सर आपके भर्ती के टाइम पे कितने जो नंबर थे उनसे फिजिकल के लिए बुलाए। देखो भैया नॉर्मलाइजेशन के बाद ही नंबर ऐड होते हैं तो उसके बाद फिजिकल के लिए आता है। देखो लड़कों के साथ ऐसा हुआ जिसके 70 नंबर थे उसको फिजिकल के लिए बुला लिया, हमें समझ नहीं आया कि भाई इसको क्यों बुला लिया, इसके तो 70 नंबर थे। एक लड़के के 79 थे उसको नहीं बुलाए। बाद में जब नंबर शो हुए जब पता चला तो उसका क्या हुआ था, जो 79 नंबर थे उसके 74 नंबर बचे थे नॉर्मलाइजेशन में, इसलिए नहीं बताया। ये रियल बात बता रहा हूँ, ये मेरे दोस्तों की बात बता रहा हूँ पर्सनली। और जिसके 70 नंबर थे उसके 77.16 नंबर हो गए थे तो इसलिए उसको बुला लिया गया था फिजिकल के लिए। तो ऐसा हुआ था एग्जैक्ट बता रहा हूँ, ये मेरे दोनों दोस्तों की बात बता रहा हूँ। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन के बाद 4-5 नंबर 6-7 नंबर तक आगे पीछे होते हैं तो उस हिसाब से फिजिकल के लिए बुलाते हैं। हो सकता है किसी के 75 हो कम भी हो सकते हैं, 70 है तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर भी मिनिमम इस बार का पेपर देख के आपके 70+ होने ही चाहिए नंबर, तो आप फिजिकल के लिए स्टार्ट करें और वहाँ की फिर पढ़ाई भी करते रहें साथ में। और अदर कैटेगरी का भी है SC ST, फिर भी अच्छे नंबर हो 65+ हो और नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाए तो चांस फिजिकल के लिए बुलाएंगे। लेकिन जिनके वाकई और ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं, इससे कम नंबर हैं, तो फिजिकल के लिए अभी से ज़्यादा ना करें। जब नाम आएगा तो फिर देख सकते हैं, बाकी अभी बहुत से एग्जाम है तो उनकी पढ़ाई कर सकते हैं। और भी जैसे लोगों के हैं, जिन लोगों ने कमेंट करा है कि जैसे एक मोनिका ने कि सर 65 नंबर है मैं तैयारी करूँ। हाँ लड़कियों के लिए ठीक है, आपके 65 नंबर है SC कैटेगरी से तो आप फिजिकल स्टार्ट कर सकते हैं। और एक भाई ने करा है कि मेरिट सर्टिफिकेट लगता नहीं, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। बिनर्स पे 68 नंबर बहुत अच्छे नंबर है, विकास का कमेंट है ठीक है, क्योंकि वहाँ जाके आपके फाइनल में 5-10 नंबर तो आपके बढ़ेंगे। 68 नंबर है सर UB करके है, फिजिकल का कुछ चांस है क्या सर रिप्लाई? जनरल से देखो 68 नंबर है, कुछ कह नहीं सकते हैं, चांस है भी और नहीं भी हो सकते क्योंकि कम से कम बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं लड़के, तो 70-75 से तो ऊपर हूँ। आप बाकी देख सकते हैं फिजिकल करना है कि नहीं करना है, जो बात है क्लियर बात है। बाकी अपन थोड़े और भी डाउट रहेंगे तो शाम को लाइव आ जाएंगे आप 9:30-10 बजे जब भी रहेगा, तो आप उसमें भी परीक्षा से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं। पेपर दोनों में आ रहा है, हिंदी इंग्लिश ये भी है। बिनर्स पे स्पेशल करके एक कोई है जिसके 72 हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं। मेन एग्ज़ाम की बताते हैं, 68 नंबर आए हैं सर, 12 को एग्ज़ाम था। एक प्रियंका करके है फीमेल कैटेगरी में और इनके SC कैटेगरी से मतलब फीमेल है, तो ये फिजिकल के लिए आप जा सकते हो प्रियंका। और बिनर्स पर 69 नंबर हैं एक लड़के के, ठीक है आपने स्कोर करा था। और भी जिन लोगों ने मुझे पर्सनली भेजा है तो उन लोगों का बता देते हैं, और जो भी कमेंट में पढ़े थे तो वो भी अच्छी बात है। और अभी से बस तैयारी उस हिसाब से ही करना है, 80+ का ही सोच के तैयारी करना है, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा सा सरल आ रहा है और कम नंबर लाओगे तो फिर आपको ही दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और अभी जिनका आगे एग्ज़ाम है तो उनके लिए अभी से ऑल द बेस्ट। और बाकी अपन जो कमेंट में आप करेंगे तो उस पर अपन करेंगे, और जब लाइव आएंगे तो उसमें आपके जो भी डाउट रहेंगे तो अपन उन पर भी बात कर लेंगे। और बाकी फिजिकल के लिए मैंने बता दिया, आप स्टार्ट कर सकते हैं, इतने नंबर वाले हैं। और जैसे आज अभी भेजा था एक लड़के ने 73 अदर स्टेट के, हाँ ठीक है आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी जो डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड बता सकते हैं। एग्ज़ाम अच्छे से देना, सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।